यूपी में बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान कवच नाम से चलाया जाएगा। इसका लक्ष्य बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करना है और बालिकाओं को आत्म सुरक्षा सिखाना है। इसके लिए सरकार जो भी योजनाएं बना रही है उसके बारे में बताया जाएगा। इसी के चलते आज राजधानी लखनऊ के कॉलेज में पुलिस विभाग ने बालिका सुरक्षा पर फिल्म दिखाई। गुड टच बैड टच के साथ खुद के बचाव के लिए बालिकाओं को जागरूक किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर पुलिस जगह जगह कवच अभियान के तहत बालिकाओं को सुरक्षा को लेकर के उनको जागरूक कर रही है। यहाँ पे बताते हैं, समय राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में है, ये सत्यनारायण इंटर कॉलेज है। यहाँ पर लगभग 1000 छात्राएं हैं, कुछ छात्राएं यहाँ पर बैठी हुई है। उनको यहाँ देख सकते हैं किस तरह से फिल्म दिखाई जा रही है। फिल्म के माध्यम से उनको बताया जा रहा है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। और खास बात इसमें यह है कि जो पुलिस है उसने पूरा बीड़ा उठाया है कवच अभियान के तहत। हमारे साथ में जो यहाँ के थाना इंचार्ज है वो मौजूद है, जो बता रहे हैं उससे उनसे किस तरह से पूरा ये अभियान चलाया जा रहा है। सर, किस तरह से पूरा अभियान चलाया जा रहा है यहाँ पर पूरे प्रदेश में? ये अभियान चलाया जा रहा है कवच अभियान, बच्चियों की, बच्चों की, छोटे बच्चों की सुरक्षा, उनके साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न ना हो, उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताया जा रहा है। और ये पूरे लखनऊ में, प्रदेश में तो चल ही रहा है, लखनऊ में भी प्रत्येक दिन हर थाने को टारगेट दिया गया है और सब लोग जाके स्कूलों में बच्चों बच्चियों से मिल रहे हैं और उनको कोमल वीडियो के माध्यम से और भी इस तरह के तमाम गुड टच बैड टच के वीडियोस हैं जिनको यूट्यूब के माध्यम से दिखा के बच्चों को बताया जा रहा है और उनसे बातचीत की जा रही है, उनको बताया जा रहा है, उनसे पूछा भी जा रहा है कि उन्होंने क्या समझा। और इससे जागरूकता बच्चों के अंदर आ रही है। इस संबंध में आप बच्चों से भी बात कर सकते हैं, अभी उनको हमने बताया है, तो देखिए क्या इन्होंने सीखा है हमारे बताने। हमारे साथ वो तमाम छात्राएं हैं, उनसे जानते हैं। बेटा, अभी जो बताया गया आपको, पुलिस अंकल ने बताया, क्या क्या बताया आपको? बताया है कि वो एक ऐसा हमारे साथ किसी भी कोई भी करे तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए और हमें डरना नहीं चाहिए। हमेशा अगर कोई ऐसा हमारे साथ कर रहा है तो उस पर हमें चिल्लाना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में कुछ नंबर बताए गए होंगे आपको? हाँ, किस नंबरों पे आप फोन कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं? वो 1098 पे हम कॉल कर सकते हैं, चाइल्ड लाइन, और अगर हमें महिला हेल्पलाइन से भी कॉल कर सकते हैं 1090 पर, और अगर हमें इमरजेंसी कॉल करनी है तो 100 पे कर सकते हैं। बिल्कुल, देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बालिकाओं को, जो यहाँ की छात्राएं हैं, उनको गुड टच बैड टच और जो इमरजेंसी नंबर्स हैं उनके बारे में बताया गया कि किस तरह से उस पर वो इन्फॉर्म कर सकती हैं। पर हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कितनी छात्राएं हैं और वो पहले से कितना अवेयर कर चुके हैं इस बारे में। इस विद्यालय में 724 छात्राएं पंजीकृत हैं और ये पहले से ही विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र का है, बालिकाएं आती हैं, दूर दूर से भी आती हैं और समय समय पर प्रेयर ग्राउंड पर उन्हें अवगत कराया जाता है। आज 18 जुलाई को इस विद्यालय का क्रमांक था, उसी के अंतर्गत एसओ महोदय ने कवच अभियान के अंतर्गत बालिकाओं को अनेक प्रकार के टिप्स दिए और उन्हें जागरूक किया और अनेक प्रकार के नंबर दिए ताकि सेवाओं के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। अक्सर ये होता है कि बालिकाएं कि हमारी बदनामी न हो पाए इस कारण चुप हो जाती हैं, इस पर खास तौर से फोकस किया गया कि जागरूकता इसी का मतलब है कि हम चुप होकर के न बैठें और अपनी आवाज़ उठाएं ताकि समाज और वो जो ऐसा व्यक्ति, गंदा व्यक्ति है, वो अपने आप दूर होता चला जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ पूरा जिस तरह से कवच अभियान के तहत जो छात्राएं हैं उनको जागरूक किया गया, उनसे बोला गया है कि लगातार पुलिस आपके साथ में है, सिर्फ चुप्पी तोड़ने की जरूरत है। इस पर बालिकाओं को यहाँ पर जागरूक किया गया। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। प्रयाग